हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं टॉप 3 ईयरबड्स के बीच में, जो कि आपको 3000 से कम रुपीस में मिल जाएंगे। दोस्तों इन ईयरबड्स का जो नेम है वो है नॉइस सोर्स नियो, रियलमी बड्स नियो और बोट एयरडॉप्स 311। सो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Realme Buds Neo के बारे में। अगर दोस्तों इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इनमें हमें 13mm के डायनेमिक बास बूस्ट ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड करा देते हैं। अगर दोस्तों इन ईयरबड्स की हम बैटरी की बात करें तो इन ईयरबड्स का जो केस है उसमें हमें 17 घंटों तक की बैटरी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर इनके प्ले टाइम की हम बात करें तो इन ईयरबड्स की जो बैटरी है वो 3 घंटों तक का प्ले टाइम हमें दे देती है। वहीं दोस्तों अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कनेक्ट हो जाएगा iOS और एंड्रॉइड दोनों ही डिवाइसेस से। दोस्तों ये ईयरबड्स साइड से टच कंट्रोल भी होने वाले हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो गूगल असिस्टेंट और हाई सीरी को ऑपरेट करने के लिए, अपनी कॉल पिक करने के लिए, कॉल एंड करने के लिए, अगला गाना बजाने के लिए और भी सारे बहुत से इनसे आप काम कर सकते हो। दोस्तों आप इसके टच कंट्रोल को कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी कि अपने हिसाब से इनको चेंज भी कर सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हो और आपको एक अच्छे क्वालिटी के ईयरबड्स चाहिए तो Realme Buds Neo आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें लो लेटेंसी देखने को मिलती है जो कि 119.2 ms की है। सो दोस्तों ये तो हो गए Realme Buds Neo के फीचर्स, अब बात करते हैं नॉइस सोर्स नियो के फीचर्स के बारे में। दोस्तों अगर नॉइस सोर्स नियो की साउंड क्वालिटी की हम बात करें तो इसमें हमें 9mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें HD साउंड प्रोवाइड कराते हैं। अगर इन ईयरबड्स की बैटरी की बात हम करें तो इन ईयरबड्स की जो केस की बैटरी है वो हमें 12 घंटों तक का प्ले टाइम देती है। वहीं एक बार चार्ज करने पर जो इन ईयरबड्स का प्ले टाइम है वो 6 घंटों तक का हमें मिलने वाला है। अगर दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो इसमें हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि इनको कनेक्ट करने में मदद करता है एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइसेस से। साथ ही दोस्तों ये वाटरप्रूफ होने वाले हैं, जिनको IPX5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अगर दोस्तों इन ईयरबड्स के वेट की बात की जाए तो जो एक ईयरबड्स है उसका जो वेट है वो 4 ग्राम्स का हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों Realme Buds Neo की तरह ही ये भी ईयरबड्स साइड से टच कंट्रोल होने वाले हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो गूगल असिस्टेंट और हाई सीरी को ऑपरेट करने के लिए, और साथ ही इनसे आप अपना कॉल एंड कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो, अगला गाना बजाने के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों ये तो हो गई नॉइस सोर्स नियो की बात, अब बात करते हैं अपने लास्ट ईयरबड्स के बारे में, जिनका नाम है बोट एयरडॉप्स 311। अगर दोस्तों इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इन ईयरबड्स में हमें 12mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें काफ़ी बेहतरीन साउंड प्रोवाइड कराते हैं। अगर दोस्तों इन ईयरबड्स की हम बैटरी की बात करें तो इनकी जो बैटरी है वो काफ़ी कम है हमारे बाकी के दोनों ईयरबड्स से, क्योंकि इसमें हमें 3.5 घंटे तक का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। वहीं जो इसके केस की बैटरी है वो 12 घंटों तक की हमें मिलेगी। अगर दोस्तों बात की जाए कनेक्टिविटी की तो इसमें भी बाकी दोनों ईयरबड की तरह ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये कनेक्ट हो जाएगा एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइसेस से। दोस्तों इन ईयरबड्स को पसीने और पानी से बचाने के लिए इसमें IPX5 रेटेड सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि इसको आपके पसीने और पानी से बचाए रखेगा। अगर दोस्तों बात की जाए टच कंट्रोल की तो बाकी के दोनों ईयरबड्स की तरह ये ईयरबड भी साइड से टच कंट्रोल होने वाले हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी कॉल पिक करने के लिए, गूगल असिस्टेंट और हाई सीरी को ऑपरेट करने के लिए वगैरह वगैरह। दोस्तों इन ईयरबड्स का जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा बाकी के दोनों ईयरबड्स से। दोस्तों इनमें आपको एक LED लाइट भी देखने को मिलेगी, जो कि सर्कुलर राउंड शेप में आएगी इन ईयरबड्स के टॉप पर। सो दोस्तों अगर आप इन तीनों ही ईयरबड में से कोई सा ईयरबड चुनना चाहते हो तो आप जाना Realme Buds Neo के साथ, क्योंकि इसमें हमें लो लेटेंसी देखने को मिलती है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड प्रोवाइड कराती है। दोस्तों ईयरबड्स को हम बेहतर साउंड के लिए ही लेते हैं, तो इन तीनों में से Realme Buds Neo का साउंड सबसे बेस्ट है। सो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।